पर काम नहीं चल रहा है, मेला जैसा माहौल है और नहीं। हर घर में है। जिस तरह से त्यौहार में 10 दिन 2-4 दिन पहले से लोग लग जाता है, उसी तरह बहुत ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ लहसुन प्याज तक बंद हो गया है और खाली देखते नहीं, उसमें सहयोग करने के लिए रहते। कुछ युग पूर्व एक आध्यात्मिक विभूति मिले थे स्वामी विवेकानंद में, दूसरा विवेकानंद हैं इधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। विरोध करने वाले राजनीतिक दल के लोग दल जो है अपना अपना दुकान खोल के रखे। हम तो बोले आपको कि आप लोग मुंह में घुसा दीजिएगा बेचारा, आपको लागे कुछ ना कुछ बोलबे ना करेगा। नमस्कार, मैं रविकांत अभी हूँ तरेत पाली मठ नौबतपुर में, जहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं। अभी देखेंगे, यहाँ पर कई लोग हैं और भी कई लोगों से हम लगातार बात करने का सिलसिला जारी रखे हैं। क्या कुछ कहिएगा, काहे डर रहा है ना? ना 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 हम ना ना मीडिया में मीडिया में नहीं आना है? नहीं नहीं, काहे नहीं भाई, काम धाम करना है। क्या कहिएगा जी, बाबा बागेश्वर सरकार आ रहे हैं? क्या कहें, आ रहे हैं तो आ रहे हैं। 13 तारीख के आ रहे हैं। 13 तारीख के आ रहे हैं, 13 से 17 रहेंगे। हाँ, तो वही चलते मसौड़ी से हम पंडाल देखने आए हैं खाली, खास करके आज। अच्छा अच्छा, खाली पंडाल देखने के लिए। हाँ, कहाँ पर आ रहे हैं? क्या अच्छा लगता है बाबा बागेश्वर? बाबा का देखते हैं वही भजन अच्छा लगता है। भजन अच्छा लगता है, और क्या क्या चीज़ अच्छा लगता है बाबा का? कुछ अभी बोले के मन ना लो, हम जबरदस्ती धर लिए। हाँ, धर लीजिए सब धर लीजिए। चलिए, और भी लोग हैं, जरा उनसे जरा अब हम पूछ लेते हैं। और यहाँ देख रहे होंगे तरेत पाली मठ में ककड़ी बिक रहा है। क्या कहिएगा अंकल जी, बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं? क्या पूछिए जी, आज 10 दिन से यहाँ पर काम चल रहा है जी, जी, जी। और 10 दिन पर काम नहीं चल रहा है, मेला जैसा माहौल है और हर घर में है। जिस तरह से त्यौहार में 10 दिन 2-4 दिन पहले से लोग लग जाता है, उसी तरह बहुत ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ लहसुन प्याज तक बंद हो गया है। तो ये उत्सव का माहौल है और बहुत सब लोग जितने उत्साहित हैं कि हर दिन सुबह से ही सैकड़ों लोग यहाँ पर ये जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पर रहते हैं और खाली देखते नहीं, उसमें सहयोग करने के लिए रहते हैं। जहाँ कहीं कुछ हो रहा है, कुछ कमी बुझा रहा है तो किसी को कहते नहीं, अपने खुद उसको पूरा भी करते हैं। बाबा बागेश्वर में क्या अच्छाई देखते हैं? अच्छाई क्या देखते हैं, मतलब अच्छाई देखिए, अगर भागवत गीता सामने रख दीजिएगा, पूछिएगा कि एकरा में कौन अच्छा है, कौन कौन पन्ना अच्छा है। रामचरित मानस रख दीजिएगा, पूछिएगा कि इसमें क्या अच्छा है, तो ये तो सनातन होकर सनातन के बारे में पूछना जैसे कि गलत है। अगर बताइए, जितना इतना कम समय में जिस तरह से हम लोगों को कुछ कुछ वर्ष पूर्व या कहें कि मतलब कुछ युग पूर्व एक आध्यात्मिक विभूति मिले थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत से देश विदेश जाकर, दूसरे देश में जाकर और हमारे सनातन संस्कृति का ऐसा झंडा गाड़े कि आज पूरा दुनिया सनातन संस्कृति के में बात करता है, जी, जी। सनातन संस्कृति के बारे में बात करता है और हमारे तरफ सनातन संस्कृति के पोषक के रूप में हमारे तरफ ताकता है। और वही समझिए कि आज के डेट में दूसरा विवेकानंद हैं इधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो इतने कम समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ पर, किसी भी तर्क पर, वितर्क पर, किसी भी ग्रंथ पर बेबाकी से उत्तर देते हैं और अब उनके पास हर चीज़ का समाधान है, हर चीज़ का जवाब है। पर इनके आने से कई लोग विरोध कर रहे हैं, इसका क्या अंदाज़ा लगाया जाए? जैसे कि अभी हाल ही में बिहार के एक मंत्री हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध विरोध करने वाले जो लोग हैं, विरोध करने वाले राजनीतिक दल के लोग हैं, वो कोई सनातन या मतलब हमारे धर्म के विरोध में नहीं है किसी व्यक्ति के। देखिए, राजनीतिक दल जो है अपना अपना दुकान खोल कर रखे हुए हैं वोट बैंक के लिए। अब उनका देखिए, ये भी हम नहीं कह सकते हैं वोट बैंक के लिए, क्योंकि अब किसी भी जाति में ऐसे अनपढ़ लोग नहीं हैं, किसी भी मजहब में पहले जैसा अंगूठा छाप लोग नहीं है, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अब वो लोग भी समझ गए हैं कि हमको आपस में फूट डालो, राज करो की राजनीति चलता है। और वो लोग भी कौन समाज को खुश करने के लिए कर रहे हैं, वो समाज वाले क्या नहीं जानते हैं कि जहाँ पर हम हैं कम और वो लोग जाता हैं, तभी हमारा उनका पूजा पद्धति अलग है, हमारा पूजा पद्धति अलग है, तो हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं? और ये लोग नहीं, उनके पास कोई गया है कि अगर कोई समाज का, कोई मत का, कोई मजहब का लोग अगर उनके पास जाता कि हाँ देखिए ऐसा हो रहा है तो हमारे धर्म को खतरा है, हमारे मजहब के बारे में कुछ कुछ गलत कहा जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता
तब न कुछ अगर उस पर अपना प्रतिक्रिया देते कि हमारे पास फलाना आए लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कोई दूसरे मजहब वाले दूसरे पंथ वाले कोई उनके पास जा नहीं रहे हैं और ये अपने आप में ऐसा बात बोल रहे हैं। तो ये तो बस वही है कि अपना दुकान है और दुकानदार से अपना बैठे हुए हैं गद्दी पर, उनके पास कोई जाइए नहीं रहा है और आप लोग जगह या मुँह खोले नहीं कि मुँह में उनका घुसा दिए कि कुछ बोलिए, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, यही ना बोलेंगे, दूसरा कुछ बातें नहीं है उनके पास। कुछ ऐसा बोलेंगे कि बिहार में इतना बड़ा पूरा देश में चल रहा है, इतना बड़ा है, इतने विद्वान व्यक्ति जो आ रहे हैं, तो छोटा चीज पर क्या बोलेंगे वो, देखेंगे कुछ ऐसा बात बोले ना। और ये परंपरा बन गया है कि मतलब कुछ ऐसा बात बोलिए जो अपना कद नहीं समझ रहा है कि हमें किस पर बोलना चाहिए किस पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी कह रहे हैं कि वो लोग भी एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हीं विवेकानंद के सिद्धांतों पर वो लोग भी आएंगे, उनके घर में भी उनके परिवार में भी इन्हीं को मानने लोग लगेंगे। और आपके माध्यम से बता दें कि देखिएगा उनके परिवार के लोगों के में भी जो लोग भी हैं जो भी विरोध में बोल रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और हनुमंत लल्ला का कथा सुनेंगे 13 से 17 तारीख तक। लालू जी बड़ी संत में आते उते थे पहले, यहाँ पर भी सहयोग किए हैं, सरकार में रहते हैं, आने का संभावना को लेकर देखते हैं। ये उन्हीं का बनाया हुआ एक कॉलेज है जी। ये कॉलेज का जो बिल्डिंग बना हुआ है उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के सरकार ने, हाँ उन्हीं के सरकार के समय में जो राशि मिली थी उसी से यह कॉलेज निर्मित है। और वो हमारे भाई सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, उसी के एक अंग हैं वो भी, वो थोड़े हैं कि सनातन नहीं माने, नहीं हम कैसे कहें, वो अभी तक कुछ बोलबे नहीं किए हैं, वो कहाँ भटके हुए हैं। देखिए उनका बेटा हम तो बोले आपको कि आप लोग मुंह में घुसा दीजिएगा बेचारा आपको लागे कुछ ना कुछ बोलबे ना करेगा। अच्छा आप कहाँ से आए, यहीं के नौबतपुर के हैं, नौबतपुर के हैं। क्या नाम है? मनीष शर्मा। चलिए मनीष जी थे, तमाम बातें कर रहे थे, अभी बाकी हम तरेतपाली मठ के पास सारे लोगों से बात कर रहे थे। जी आपका क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। कैसे हैं कुंदन जी? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं पहले ही बता दो। मैं तो बस बगले में यहाँ आवरण चक से हूँ। आवरण चक से नौबतपुर के पास ना है? हाँ हाँ हाँ, बस हाँ। क्या कहिएगा, यहाँ तो पूरा एकदम खुशी के माहौल लगा है। माने हम तो 8 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और ये मेरी सौभाग्य है, मैं अपने आप को खुश मानता हूँ और इतना माने ये धरती समझिए कि पावन हो गया है और इतना सारा भीड़ देख रहे हैं, जुट रहे हैं, समझ गए सब कुछ के श्रद्धा पूर्वक, समझ गए 8 दिन 10 दिन बिना बोले ही लोग यहाँ पे जुट रहे हैं। इधर आ जी, अपना श्रद्धा से सब कोई आ रहा है, कोई किसी को निमंत्रण आ, कोई किसी को फोन फान नहीं कर रहा है, अपने अंदर जिज्ञासा उठ रहा है, अपने अंदर खुशी की लहर हो रही है। माने सब छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके माता बहने, देखिए बहने वहाँ हैं जो कि सब खुशी की लहर अपना एक बार हर एक माने सब कोई आ रहा है और देख रहा है क्या ईजा हो रहा है यहाँ। माने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रवचन हनुमान कथा होगा और मैं सहयोगी के रूप में हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को सहयोग के माने हमसे थोड़ा सा चूक हो जाए, तो मैं अपने आप से कोशिश रहूँगा जितना व्यवस्था, उधर पार्किंग है, उधर पार्किंग है, इधर पंडाल है, माने बहुत सारा व्यवस्था है। आप लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, विरोधियों के बातों को उतना कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं? कोई ना कोई अति नहीं, कोई सिर्फ केवल हम लोग जय माने हनुमान जी का प्रवचन सुनेंगे और उनको चाहेंगे अपने मन में जो उनका प्रवचन होगा अपने मन में माने उतारेंगे, बस मेरी इतना ही। और सबसे कामना है कि अपने भी आप भी सुनकर इसको मन में अपने उतारे, सिर्फ सुनना एगो नहीं होता है, उतारना होता है बस। आप भी कहीं पूजा पाठ ये सब करवाते? हाँ हाँ पूजा पाठ करते हैं। कब से करवाते हैं? मैं तो 1 साल से करवा रहा हूँ। ठीक है, यज्ञ में? हाँ आपकी भूमिका? हाँ अभी यज्ञ में, अभी भी ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग नहीं है, 1 साल का भी ट्रेनिंग, मतलब अभी लर्निंग ट्रेनिंग पीरियड। हाँ ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनिंग करा गया। हाँ चलिए, चंदन जी ना कुंदन जी, चलिए कुंदन जी से बात हो रही थी, बाकी और एक मनीष जी भी बात कर रहे थे, बाकी और भी लोगों से हम बात करेंगे। फिलहाल इस प्लेलिस्ट इस सेगमेंट में इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे सौरभ है, मेरा नाम रविकांत है, तरेतपाली मठ नौबतपुर में हूँ और भी लोगों से बात करके हम सुनाएंगे। धन्यवाद।